मेरा बाप जो मर रहा है उसकी खुशी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। बोलो जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाना जान कैसी है दानिया तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। झूठ मत बोल, और इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, हम आ गए अपने चले जाने के लिए। लेकिन वो क्यों? तू रो जो रही थी ना। ओहो अच्छा बैठे आप लोग, बैठे नाना जान बैठे। नानो बैठे ना। अब भला ये बताएं, आप दोनों से दूर होंगी तो आप लोगों को मिस करूंगी ना, बस इसलिए रो रही थी। तो तुम हमसे मिली क्यों नहीं? सॉरी, वो नाना जान प्यार हो रही थी, पता ही नहीं चला। खैर अब हम आ गए, तुझे घर ले जाने के लिए, वापस आ जाना, छोड़ जाएंगे। नानो आप ही ने मुझे सिखाया ना कि लड़की का असली घर उसके शौहर का घर होता है। अब यहाँ सब इतने परेशान है, ताया जान की तबीयत भी इतनी खराब है, अब सबको यहाँ अकेला छोड़ के आपके साथ चल पड़ूं? बताए नाना जान। और आपको पता है उस वक्त ताया जान की तबीयत इतनी खराब थी, उनको देखकर ही तो मेरा फोन पर रोना निकल गया था। हमारी बच्ची तो एक ही दिन में इतनी समझदार हो गई। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। बात सुन, अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना। अच्छा ये लोग जितने भी फिरौन हो ना, मुझ में अभी भी इतनी ताकत है इनका मुकाबला कर सकूं तेरे लिए। अच्छा जी ठीक, अब आप दोनों इतना परेशान मत हो प्लीज। मुझे बताएं खाएंगे पिएंगे क्या? अरे बेटा नहीं कुछ नहीं खाएंगे, हम बच्चों के घर से कोई नहीं खाता, बस तेरे लिए परेशान थे, बस तसल्ली नहीं हो गई मेरे दिल को। कुछ तो खाए ना। नहीं बस तू खुश रहे।